डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 100 दिन पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ट्रंप ने भारत पर सीधा हमला बोला। ट्रंप ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि पेरिस समझौते के तहत भारत को योगदान नहीं कर रहा है। ट्रंप ने रूस और चीन पर निशाना साधते हुए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को एक तरफा बताया। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के 100 दिन पूरे होने पर यह कार्यक्रम पेंसिल्वेनिया में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, मैं अगले 2 हफ्ते में पेरिस समझौते को लेकर बड़ा फैसला करूंगा और हम ये देखेंगे कि क्या होता है। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने पेरिस क्लाइमेट को लेकर हूटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ट्रंप ने आरोप लगाया कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वन साइडेड है। इसमें अमेरिका करोड़ों डॉलर दे रहा है, जबकि चीन, रूस और भारत ने प्रदूषण रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और कभी कुछ योगदान करेंगे भी नहीं। गौरतलब है कि पेरिस जलवायु समझौते पर 2015 में 194 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र ने किया था। इसका उद्देश्य ग्लोबल तापमान को 2 डिग्री तक नीचे लाने का था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।